आज थोड़ा 5 मिनट लेट हो गया बच्चों। ससुराम इसमें कोई ना इसका लिंक शेयर करो बच्चों। चलो ठीक है मत करो। तो हमारे साथ प्रेजेंटली जुड़ गए ओशिन लांजेवार। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कार्तिकेय सोनवाने गुड आफ्टरनून। चलो हमारा क्लास ऐसा है कि ये मॉर्निंग और आफ्टरनून के बीच में है, तो मॉर्निंग भी बोल सकते हैं आफ्टरनून भी। वेदांती गुप्ता हेलो बेटा। रुजुल बारापत्रे इज वॉचिंग। सुमित चौहान गुड मॉर्निंग। कार्तिकेय सोनवाने प्रेजेंट। आयुषी जजपेले। अर्चिता जायसवाल इज वॉचिंग। ओके वेदांती हियर। ओके आरुषि बहादुरे गुड आफ्टरनून। अर्चिता जायसवाल गुड आफ्टरनून बेटा। उदय निर्मोही गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून विद्या पटले। गुड आफ्टरनून आकांक्षा वगाले। तो हमारे साथ इरम सईद। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम माई साइड एज वेल। तेजस सहारे गुड आफ्टरनून बेटा। सुशील लिलहारे गुड आफ्टरनून। सो आज का हमारा लेक्चर प्रोबेबली दिस इज लेक्चर नंबर, जरा बताओ कौन सा लेक्चर नंबर है। शायद है लेक्चर नंबर 8 कि 9। श्रुति वंजारी भी हमारे साथ जुड़ गई है। ओके कम ऑन फास्ट। ओके लेक्चर नंबर 9 अरीबा खान। थैंक यू सो मच बेटा। दिस विल बी द लेक्चर नंबर 9 ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। सर प्लीज रिड्यूस द स्पीड टुडे। ओके डोंट वरी। आरजू ने लिखा सर थोड़ा स्पीड कम कर देना आज। ठीक है मैं थोड़ा स्पीड कम कर देता हूँ। ओके लेक्चर नंबर 9। ठीक ठीक है थैंक यू सो मच। चलो लेट अस स्टार्ट आर टॉपिक। टुडेज टॉपिक दैट इज एनर्जी एंड राइडबर्ग कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। तो कल का थोड़ा मैं रिवाइज, जैसे मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक लाइन स्पेक्ट्रम है विच इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो इसमें हमको अलग अलग तरह के लाइंस मिलते हैं और वो लाइंस का जो गैपिंग्स हैं वो वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड इसीलिए ये डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। ठीक है तो इसमें कुछ हमको सीरीज मिले लेमेन बाल्मर पास्टन ब्रैकेट पी फंड एंड हम्फ्री सीरीज। ओके तो हमने देखा लेमेन जो होता है। अब थोड़ा बहुत मैं यहां पे सिंपल मैं आपको एक और बार रिपीट करना चाहता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा इन्फिनिटी। मैं इसका बताता हूं, लेमन सीरीज का बताता हूं। इसमें n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यहां पे
एन वन लेमन सीरीज में एन वन इज इक्वल टू वन एंड एन टू, एन टू जो होता है दैट इज टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यानी कि टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अप टू इन्फिनिटी। तो जैसे मैंने आपको बोला था, थोड़ा एक्स्ट्रा आज मैं इसमें कुछ ऐड करने जा रहा हूं। ये रहा एनर्जी गैप, ठीक है। सो कैन यू टेल मी कि विच लाइन हैज मैक्सिमम एनर्जी, अल्फा लाइन कि लास्ट लाइन? विच लाइन हैज मैक्सिमम एनर्जी, टेल मी फास्ट। पहला लाइन कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा? विच लाइन हैज मैक्सिमम एनर्जी, फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन? टेल मी विच लाइन हैज मैक्सिमम एनर्जी। हाँ, लेमन में, लेमन में, मैं लेमन की बात करता हूं अभी। बोलो लास्ट, वेरी गुड। वेदांती गुप्ता ने बोला कि ये जो लाइन है इसका मैक्सिमम एनर्जी है। तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं लास्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज, लेमन सीरीज हैज मैक्सिमम एनर्जी, तो मुझे बताओ जिसका मैक्सिमम एनर्जी होता है उसका फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैं लिखूंगा कि लास्ट लाइन हैज ऑल्सो क्या, देयर फोर इट हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, होगा कि नहीं? जिसका एनर्जी ज्यादा होता है उसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? बड़े जल्दी, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ओके। और ये चीज भी हमको मालूम है, जिसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होता है उसका वेवलेंथ छोटा होता कि बड़ा होता, बताओ? वो शॉर्ट वेव होती कि लॉन्ग वेव होती? जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है वो शॉर्ट वेव होता कि लॉन्ग वेव होता? लास्ट लाइन ऑफ लेमन सीरीज हैज मैक्सिमम एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी एंड ऑल्सो, एंड फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो मैक्सिमम। लक्ष्य उस्मान ने लिखा है, महिमा नारी ने भी, चलो ठीक है, राइट, वेरी गुड। सो टेल मी, इस लास्ट लाइन का एनर्जी भी ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा है, तो ये लॉन्गेस्ट वेव होगा कि शॉर्टेस्ट वेव होगा? वेरी नाइस। सो लैम्डा विल बी मिनिमम। हालांकि तुम जब ये पिक्चर देखते हो आपको लगता है कि वेव बड़ी है, ये वेवलेंथ का नहीं है, दिस इज एनर्जी का गैप। ये गैप किसका है? एनर्जी का। तो कंफ्यूज यहां पे होना नहीं। लगती ये बड़ी वेव है लेकिन ये वेव बड़ी नहीं है, ये छोटी वेव है। समझ में आया? शॉर्ट वेव होगा, क्या बात है। सबने बोला, सबने बोला कि सर ये शॉर्ट वेव होगी। फर्स्ट लाइन जो होती है, फर्स्ट लाइन यानी कि अल्फा लाइन, अल्फा लाइन, इसका क्या होगा बोलो? डैश एनर्जी, डैश फ्रीक्वेंसी, डैश वेवलेंथ, बताओ। पहले में क्या आएगा मैक्सिमम की मिनिमम, दूसरे में क्या आएगा मैक्सिमम की मिनिमम, तीसरे में क्या आएगा मैक्सिमम की मिनिमम? चलो बोलो। फर्स्ट लाइन ये जो छोटी दिखती है लेकिन एक्चुअल में है बड़ी वेवलेंथ के हिसाब से, बोलो। शॉर्ट वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली, वेरी गुड, बराबर। आयुषी जजपेले, इन्होंने लिखा है मिनिमम 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 मैक्सिमम, क्या बात है। सो इट हैज मिनिमम एनर्जी, ऑल्सो मिनिमम फ्रीक्वेंसी बट मैक्सिमम वेवलेंथ, क्या बात है, क्या बात है। यू गाइज आर सो सुपर्ब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये इसमें ऐसा आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई अगर ये बड़ी है तो ये एनर्जी के हिसाब से बड़ी है, लेकिन फ्रीक्वेंसी के हिसाब से भी बड़ी है लेकिन वेवलेंथ के हिसाब से छोटी है। तो यहां पे मुझे ये कंसेप्ट देना था।
डन। तो चलो मैं इसको रब कर लेता हूं, अब वापस से इसको बताता हूं। डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी ई टू माइनस ई वन, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी दैट इज चेंज इन एनर्जी, वो क्या होता है चेंज इन एनर्जी। हा अब मेरे को मालूम है एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट यानी कि ऑर्बिट इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू माइनस रिडबर्ग कॉन्स्टेंट माइनस रिडबर्ग कॉन्स्टेंट 1/n². याद रखना एनर्जी ऑफ एनी स्टेशनरी स्टेट इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू माइनस रिडबर्ग कॉन्स्टेंट 1/n². तो मुझे बताओ फिर ई वन किसके बराबर होगा, ई वन शुड बी इक्वल टू माइनस रिडबर्ग कॉन्स्टेंट 1/n² ई टू किसके बराबर होगा माइनस आर एच 1/n² तो डेल्टा ई का इक्वेशन निकाल के दो। चलो लिखो कमेंट्स में व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ डेल्टा ई, ई टू माइनस ई वन यानी कि ये माइनस ये, यू गॉट इट, समझ में आया। तो मैं अगर डेल्टा ई का वैल्यू लिखूंगा इस सब को कॉमन शॉमन निकालने के बाद दैट विल बी आर एच रिडबर्ग कॉन्स्टेंट 1/n² माइनस 1/n² देखो यही आएगा, दिस इज द इक्वेशन जो मैंने कल आपको बोला था। क्या बात, बहुत अच्छा। ये n1 n2 जो है ये एनर्जी लेवल्स हैं और n1 लेमन के लिए 1 है, n2 हो सकता है 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू इंफिनिटी। क्लियर, अंडरस्टूड, ओके, नो डाउट। चलो यानी कि ये इक्वेशन जो है यहां तक हमने खत्म कर लिया है। अब जरा देखते हैं रब कर लेता हूं मैं वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कॉन्स्टेंट, रिडबर्ग कॉन्स्टेंट के वैल्यू देखो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी रिडबर्ग कॉन्स्टेंट हैज वैल्यू, ये आपको याद रखना है 2.18 × 10⁻¹⁸ जूल्स। प्लीज नोट इट डाउन एंड रिमेंबर दिस, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी 2.18 × 10⁻¹⁸ जूल्स कितना है, जरा कमेंट्स में लिखो विदाउट सीइंग द बोर्ड कमेंट्स में लिखो क्या है कितना है। ओके बढ़िया, 2.18 × 10⁻¹⁸ जूल्स, क्या बात है। सो डेल्टा ई विल बी इक्वल टू रिडबर्ग कौन सा कितना है 2.18 × 10⁻¹⁸ 1/n² अपॉन 1/n² सो दिस इज द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। नाउ इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, दूसरा मैं निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। वी नो डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू, ये किसने बोला बताओ, कौन सा थ्योरी है डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू, ये कहां से आया जरा बोलो, मैं देखता हूं किस किस को याद है। क्या बात, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू, ये किसने बोला,
चल जल्दी बोलो, डेल्टा इज इक्वल टू एच न्यू, ये कहां से आया? वेरी नाइस, विद्या पटेल ने आंसर दिया, ये आया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से आया ये, बराबर। सो न्यू किसके बराबर होगा? न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच, न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच। एच का वैल्यू हमको मालूम है, H is Planck's constant. H is Planck's constant. So, कोई मुझे बताएगा कि H का वैल्यू कितना है विदाउट टर्निंग योर पेज बैकवर्ड्स, अपने कॉपी के पेज घुमाने के बगैर? मुझे बोलो H का वैल्यू क्या है, क्या बात है, what is the value of H? जूल्स में बोलो, जूल्स में, सही। क्या बात है, वेदांती गुप्ता ने पहला आंसर दिया 6.626 × 10⁻¹¹ जूल सेकंड। फिर शरगुन सिंह बाटिया ने आंसर दिया, ओशिन लांजेवार ने लिखा प्लैंक्स कांस्टेंट, हाँ इसका वैल्यू, आयुषी जजपेले ने इसका वैल्यू दिया, सही। इरम सईद एकदम करेक्ट, प्रतीक्षा चौहान हमारे साथ जुड़ गई, आपके सीनियर जो भी नीट में पिछले पूरे टेस्ट में टॉप कर रही है, प्रतीक्षा चौहान। तो मैं आपसे प्रतीक्षा से मतलब होप करता हूं कि इस बार नीट में अच्छा स्कोर करेगी। विद्या पटले वेरी नाइस, आरजू ब्रह्मे, रिजुल बारा पत्रे, अरीब खान, सबने बराबर आंसर दिया, दैट इज 6.626 × 10⁻¹¹ जूल सेकेंड। अब इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर मुझे फ्रीक्वेंसी के हिसाब से लिखना है तो न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई का ये वैल्यू है कितना, 2.18 × 10⁻¹⁸, तो अपॉन इसमें क्या करना है मुझे, एच क्या करना है, एच कर लो जरा, एच है 6.626 × 10⁻¹¹ 1/n1² 1/n2² करो जल्दी बच्चों, डू इट फास्ट, इस इक्वेशन को कैलकुलेट करो भाई, कंसंट्रेट हियर, इसको ऊपर करो तो प्लस हो जाएगा, ऊपर करो तो प्लस हो जाएगा ना। सो न्यू इज इक्वल टू 2.18 को 6.626 से डिवाइड करो, कितना आएगा वो, 0.329 × 10⁻¹⁴, ऊपर करो 34 में से 18 को घटाओ तो वह आएगा प्लस 16, बराबर 1/n1² 1/n2² देखो कोई बात है क्या इसमें, बोलो जल्दी, वेदांती गुप्ता क्या बात है, थोड़ा ना इसको ना, ये पॉइंट को हटाते हैं, v इज इक्वल टू 3.29 × बताओ 10⁻¹⁴ क्या हो जाएगा, मैंने वैल्यू यहां पे इंक्रीज किया तो यहां पे वैल्यू विल बी डिक्रीज्ड बाय 1, सो दैट विल बी 10⁻¹⁵, 1/n1² 1/n2², सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कॉन्स्टेंट इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया रिडबर्ग कॉन्स्टेंट इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, नॉट दिस, क्या बात, क्या बात। बहुत सारे बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमको भी मजा आता है, हमारी एनर्जी भी आपकी वजह से ही बढ़ जाती है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, तो बराबर। सो रिमेंबर द इक्वेशन, रिमेंबर दिस इक्वेशन। अब आते हैं वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, बराबर।
हमको मालूम है, ये हमको मालूम थे, v इज इक्वल टू सी बाय लेमडा बराबर। तो 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू, 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू वेव नंबर, तो न्यू ऐसा इज इक्वल टू 1 बाय लेमडा सी लिख सकता हूं मैं इसको, 1 बाय लेमडा सी, 1 बाय लेमडा क्या है वेव नंबर, सो न्यू इज इक्वल टू न्यू बार सी, न्यू इज इक्वल टू न्यू बार सी। एम आई राइट और रॉन्ग, बोलो जल्दी बेटा, समझ में आया कि नहीं। सो मुझे इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर चाहिए, तो वेव नंबर हो गया बच्चों न्यू बाय सी। वेव नंबर इज न्यू बाय सी, क्या बात है। न्यू का वैल्यू हमको मालूम है कितना, 3.29 × 10^15। तो मैं लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ न्यू बार वी हैव द इक्वेशन 3.29 × 10^15 अपॉन सी। सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड। तो करो इसको, 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड, ये यहां पे यूनिट खुद लिखना, 1/N² - 1/N²। करो भाई, इसको ऊपर लेके जाओ, 3.29 को डिवाइड बाय 3 करो, कितना आएगा, 1.09677 आएगा इंटू 10^8, 7 × 10^7 1/N² / 1/N² लेकिन भाई ये मीटर में आएगा ना, क्योंकि हमने 3 × 10^8 मीटर पर सेकंड लिया, मीटर में आएगा। सेंटीमीटर में कितना आएगा, न्यू बार इज इक्वल टू 1.09677। दो काम करना है, 10^5 1/N² / 1/N² यह आएगा सेंटीमीटर में, दिस विल बी इन यानी कि पर मीटर पर सेंटीमीटर जो भी आता है, पर मीटर पर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर आता है। और अगर इसको हटाना है 10^5 तो न्यू बार विल बी इक्वल, हटाओ 1, 2, 3, 4, 5 1/09677 1/N² - 1/N² इन टर्म्स ऑफ पर सेंटीमीटर। सो यहां पे रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू आया 1/09677। इज दिस क्लियर, अंडरस्टूड तो यू, रिपीट तो आर। चलो बताओ, समझ में आया तो यू, रिपीट करना है तो आर। अंडरस्टूड अरीबा खान, अबीरा खान, शरगुन सिंह बाटिया, वेरी गुड, वेरी नाइस। सो तीन वैल्यू हमको याद रखने हैं भाई, तीन वैल्यूज हमको याद रखने हैं। पहला वैल्यू जो है रिडबर्ग कांस्टेंट का, दैट इज 2.18 × 10^-18 जूल्स, ये हो गया इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। दूसरा हो गया रिडबर्ग कांस्टेंट का कितना, हाँ यहाँ पे 3.29 × 10^15 15 वाट फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, हर्ट्स या पर सेकेंड, ये हो गया इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तीसरा हो गया रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू 1/09677, ये हो गया वेव नंबर का, वेव नंबर का यानी कि सेंटीमीटर में इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। ओके, याद रखोगे बच्चों। सो ये तीन वैल्यूज रिडबर्ग कांस्टेंट के वी हैव टू रिमेंबर बाय हार्ट।
ठीक। आगे बढ़ो, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, यस सर, कोई दिक्कत, क्लियर सर, ऑल क्लियर। आरुषि बहादुर, इरम सईद, ओशी लांजेवा, 1.67 पर सेंटीमीटर, वेदांती गुप्ता, ओके सर, रजुल बारापत्रे, अंडरस्टूड, आजुरम में मूव अहेड, ओके फाइन। Write a note. Note is for hydrogen and hydrogen-like species. For hydrogen and hydrogen-like species, RH, Rydberg constant, is equal to 109677 into एटॉमिक नंबर। यह चीज आपको याद रखना है, एटॉमिक नंबर का स्क्वायर, सॉरी जेड स्क्वायर। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे स्पीसीज के लिए रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू आएगा 109677 into जेड स्क्वायर। अब हाइड्रोजन तो हमको मालूम है, ये हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज क्या होता है? ये वो होता है विच कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइक हाइड्रोजन, जिसके इलेक्ट्रॉन्स किसके जैसे होंगे? हाइड्रोजन के। सपोज मैं लेता हूं हाइड्रोजन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन हाइड्रोजन, सॉरी प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स, हाँ सॉरी सॉरी, देखो मैं H लेता हूं, हीलियम प्लस, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम प्लस में एक्चुअल में दो होने चाहिए लेकिन एक लूज किया है तो इसमें भी एक ही है। लिथियम टू प्लस, लिथियम में होते तीन इलेक्ट्रॉन्स लेकिन दो लूज किए हैं तो इसमें भी एक ही है। बेरिलियम थ्री प्लस, बेरिलियम में होते चार इलेक्ट्रॉन्स लेकिन तीन लूज किए हैं तो इसमें भी एक ही है, तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजन और इन तीनों को बोलेंगे हाइड्रोजन लाइक। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन लाइक स्पीसी। बताओ समझ में आया? समझ में आया क्या? वन 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 वन, क्या बात है। ठीक, तो अगर इनका रिडबर्ग कांस्टेंट आपको निकालना है, सपोज हाइड्रोजन के लिए रहेगा, फॉर हाइड्रोजन रिडबर्ग कांस्टेंट इज इक्वल टू 109677 इंटू जेड, जेड कितना है? एटॉमिक नंबर इज वन, वन स्क्वायर, तो वो वही आएगा। फॉर हीलियम प्लस RH will be how much? 109677 into helium का atomic number 2, 2 square, 2 2s are 4. Lithium, for Li2 plus, Rydberg constant is equal to 109677 into 3 square, 3 3s are 9. Got it? तो tension लेने की बात है नहीं। कोई इशू? बढ़िया, तो ये नोट मैंने लिखाया, यहां पे हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में सिर्फ रिडबर्ग का
रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि इस इन इन जैसे स्पीसीज में द एटॉमिक नंबर का स्क्वायर विल बी इन्फ्लुएंशियल। आगे बढ़ो, इज दिस क्लियर? ओके, नो डाउट सर। आगे बढ़ता हूं, एक और टॉपिक, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट आप कैसे निकाल सकते हो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। अगर आपको बोला किसी ने कि बताओ इसमें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे आप निकाल सकते हो, तो मेरे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। सपोज दो एनर्जी लेवल्स हैं, दो एनर्जी लेवल्स, एक लेवल है n इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 2, ठीक। 7 से 2 तक इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है, तो आपको पता करना है कि टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे निकालेंगे हम, टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस। तो द फॉर्मूला इज नंबर ऑफ टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ एन टू माइनस एन वन, समेशन ऑफ एन टू माइनस एन वन। बोलो भाई इसमें एन टू क्या है? इसमें एन टू है 7, देखो एन टू इज 7 एंड एन वन इज 2, तो समेशन ऑफ 7 माइनस 2 होता है 5, तो समेशन करेंगे इसको कितना आएगा, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, सो 5, 4, 9, 3, 12, 13, 14, 15, देयर विल बी 15 स्पेक्ट्रल लाइंस, देयर मस्ट बी 15 स्पेक्ट्रल लाइंस, 15 स्पेक्ट्रल लाइंस हो सकते हैं जब 7 से 2 तक आ रहा है, 7 से 2 तक आ रहा है। और मुझे बता ये सीरीज कौन सा होगा, विच सीरीज विल बी दिस, ये कौन सा सीरीज होगा जब 7 से 2 तक आ रहा है, लेमैन बार्मर पाशन क्या होगा बताओ, व्हाट सीरीज शुड बी दिस, बोलो। सात से दो आ रहा है, बोलो कौन सा सीरीज होगा, लेमैन बार्मर पाशन पी फंड ब्रैकेट हेम्प्री बताओ, नहीं नहीं नहीं, बार्मर वेरी गुड, शरगुन सिंह भाटिया ने बोला सर दिस इज बाल्मर सीरीज, दूसरी सीरीज होगी जो विजिबल में आता है, सो दिस विल बी द बाल्मर सीरीज, क्या बात है, डन। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज मैंने आपको बता दिया हूं, अब मैं दूंगा प्रॉब्लम, मैं दूंगा क्वेश्चन, आप आराम से ठंडे दिमाग से प्रॉब्लम समझोगे और सॉल्व करोगे, बट बेटो चलो लिखो प्रॉब्लम, लिखो सिंपल प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन इज राइट, राइट द क्वेश्चन, व्हाट विल बी न्यू एंड लैम्ब्डा, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन इमिटेड ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम एन इक्वल टू 5 टू एन इक्वल टू 2 इन
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। चलो करो, आपको क्या क्या निकालना है? आपको निकालना है न्यू और निकालना है लैम्ब्डा, बराबर कर सकते हो। और विच सीरीज डज दिस ट्रांजिशन बिलोंग्स, और ये कौन सी सीरीज को बिलोंग करता है? चलो सॉल्यूशन करोगे? आई गिव यू 3 to 4 minutes, करो जल्दी। इसमें पानी है? नहीं है ना, लेके जाओ। ओके, मैं हिंट देता हूं, आपको क्या करना है? सबसे पहले निकालना है N1 क्या है और N2 क्या है। बोलो, N1 याद रखना, जहां से आता है इलेक्ट्रॉन दैट विल बी द N1, क्योंकि ये इमिशन है, ये एब्जॉर्प्शन नहीं है। तो एक चीज बता रहा हूं, अगर लिखा गया है इमिशन, इमिशन का मतलब इलेक्ट्रॉन कुछ रेज निकल रहे हैं, रेज निकल रही है यानी कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है, तभी जाके एनर्जी लूज होगा। सो ये बनेगा इधर N1, ये बनेगा इधर N2, तो N1 क्या होगा? गलत। अगर एब्जॉर्प्शन होगा ना बच्चों, अगर एब्जॉर्प्शन होगा तब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा, तब इसको एनर्जी लगेगा। तो ये होगा N1, ये होगा N2। सॉरी, ये चीज मैं भूल गया था, अब क्वेश्चन लिखा तो याद आ गया। जब इमिशन होता है तो ऊपर से नीचे आता है, जब एब्जॉर्ब होता है तो नीचे से ऊपर जाता है। तो हम पढ़ रहे हैं इमिशन, तो आपको यहां पे ख्याल रखना है कि क्वेश्चन में इमिशन दिया गया है। सो N1 विल बी 5, N2 विल बी 2। बढ़िया। तो डेल्टा ई एनर्जी के हिसाब से RH 1/N1² 1/N2² डेल्टा ई इन टर्म्स ऑफ एनर्जी पता कितना है? 2.18 × 10⁻¹⁸ जूल्स, 1/25, 1/4 करो। डेल्टा ई का वैल्यू कितना आएगा? बोलो जल्दी, डेल्टा ई का वैल्यू कितना आएगा? शायद माइनस में आएगा, देख लेना। 4.58 × 10⁻¹⁹ जूल्स। माइनस शो करता है कि एनर्जी वहां से निकला। सॉरी, ये -18 है ना, ये -18 है। am I right? कैलकुलेशन करो अच्छे से बच्चों। डेल्टा ई का वैल्यू विद्या पटले, वेरी नाइस, 4.58 × 10⁻¹⁹ जूल्स। हाँ, इसको -21/100 को ऐसा करो तो उसको मल्टीप्लाई करो 2.18 से, तो वो आएगा 4.58 × 10⁻¹⁹ जूल्स। 4.58, क्या बात है। तो डेल्टा ई निकल गया, अब आराम से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं।
क्योंकि फ्रीक्वेंसी अब हम निकाल सकते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई बाय एच, निकालो। तो न्यू इज इक्वल टू माइनस 4.58 10 टू द पावर माइनस 19, 6.626 10 टू द पावर माइनस 34। ये जूल सेकंड, ये जूल, जूल जूल कैंसल, कितना आएगा? बढ़िया, न्यू विल बी इक्वल टू, तो ये यहां पे फ्रीक्वेंसी में आप माइनस प्लस अगर दोगे भी नहीं, क्योंकि दैट वाज साइन कन्वेक्शन, दैट वाज साइन कन्वेक्शन। यहां पे प्लस माइनस अगर दोगे भी नहीं, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है, हमको एनर्जी इसमें देखना पड़ता है कि एक पॉइंट से कितने वेव्स पास हो रहे हैं। सो बोलो क्या आएगा? 34 को ऊपर करो, 19 19 34, 14 बचेंगे शायद, कितना आएगा? कैलकुलेट दिस, न्यू इज इक्वल हाउ मच? कोई बोलेगा क्या? वॉचिंग योर कमेंट्स, 4.58 इंटू पावर माइनस 19 जूल्स, हाँ बराबर। अब आगे बढ़ो, ये ऊपर जाके प्लस 34 हो जाएगा, 19 काटो 34 में से शायद 9 10 11 12 13 14 बचेंगे शायद, कि 30 देख लेना, द आंसर विल बी 6.9, देख लेते 0.69 10 पावर माइनस 15, 10 पावर माइनस नहीं आएगा बेटा, 0.6912, हाँ 0.6912 10 टू द पावर 15। तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, न्यू इज इक्वल टू 6.912 10 टू द पावर 14, यहां बढ़ाया यहां कम किया, ये होगा पर सेकेंड, पर सेकेंड बराबर है, बराबर है। तो न्यू भी निकला, अब लैम्डा निकालना है, बोलो लैम्डा किसके बराबर होता है? लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू, तो करो, सो लैम्डा विल बी इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 6.912 10 टू द पावर 14 पर सेकेंड, पर सेकेंड पर सेकेंड कैंसल, लैम्डा विल बी इक्वल टू हाउ मच? 0.434 × 10⁻¹ meters. So do it. इसको ऐसे भी कर सकता मैं, लैम्डा इज इक्वल टू 4.34 × 10⁻¹⁷ और बढ़ाऊंगा, लैम्डा इज इक्वल टू 43.4 × 10⁻¹⁸, लैम्डा इज इक्वल टू 434.0 × 10⁻¹⁹, वी नो 10⁻¹⁹ मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर, तो मैं लिख सकता हूं लैम्डा इज इक्वल टू 434 नैनोमीटर, क्लियर? समझ में आया क्या? क्या बात है, आर्जुब्रम में 434 नैनोमीटर। तो किसी भी आप कन्वर्शन कर सकते हो, नैनोमीटर पिकोमीटर जो भी है आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, बढ़िया,
वन नैनोमीटर, हाँ 434 नैनोमीटर, 10 टू द पावर 9 मीटर होता है 1 नैनोमीटर, तो ये 434 इंटू 1 हो गया 434 नैनोमीटर। एक क्वेश्चन दो, होमवर्क, होमवर्क देता है क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, जेडब्ल्यू में भी आया, नीट में भी आया, देख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑलराउंडर क्वेश्चन, दो कि नहीं, यस और नो, कर लोगे घर पे? लिखो, दिमाग वाला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लैम्डा इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ लेमन सीरीज, ऑफ लेमन सीरीज। यहां पे कुछ नहीं दिया है, ना इमिशन ना एब्जॉर्प्शन, तो भाई आपको सिंपल वर्ड्स में नीचे वाला N1 होगा, ऊपर वाला N2 होगा। अगर इमिशन दिया है, इमिशन, तो ऊपर वाला N1 होगा, नीचे वाला N2 होगा। एब्जॉर्प्शन दिया है तो नीचे वाला N1 होगा, ऊपर वाला N2 होगा। कुछ नहीं दिया है तब आपको नीचे से ही शुरू करना है, N1 N2। मैंने हिंट दे दिया हूं, आई गेव यू द हिंट, तो आपको याद क्या करना है, लेमन में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट लैम्डा कौन सा है और लॉन्गेस्ट लैम्डा कौन सा है। अब यहां पे आप कमेंट्स मत करना, नहीं तो सबको पता चल जाएगा, जिसको ऑलरेडी पता है, घर पे जाके तुम इस चीज को सॉल्व करोगे और मुझे आप ये व्हाट्सएप में भेजोगे, ठीक है? तब तक के लिए टेक केयर, अभी हमारा टाइम भी खत्म हो चुका है, अभी नेक्स्ट क्लास हमारा है न्यू बैच में, तो यहां तक मैंने आपको ये काम दिया है, सो टुमारो आप वो काम जो है मुझे सेंड करोगे, टेक केयर, बाय बाय।